तब अचानक से एक मैं तो कहूँगा की कैरी मिनाटी मुझे रोस्ट करेगा वीडियो देखने के बाद आपका एक्सप्रेशन या आपकी थिंकिंग क्या थी फॉलोअर्स गेन hmm. करने के लिए क्योंकि उस टाइम पे मेरे नाम पे सारी जगह पे व्यूज थे hmm. एक एक दिन में मेरे एक एक लाख फॉलोअर्स बढ़ते थे इंस्टाग्राम पे तो सारी जगह बहुत भयंकर रीच थी तो एक ने बनाना स्टार्ट करा उसे देख के दूसरे ने बनाना स्टार्ट करा सब ने बनाना स्टार्ट करा क्यों क्योंकि हमारे चैनल पे व्यूज आएंगे कि भाई शिवम मलिक का नाम उठा गया और उस वीडियो को ध्यान से उठा के देखोगे ना तमीज की तरीके की बात कुछ रोस्ट करना क्या होता है कि कोई गलत इंसान कुछ कर रहा है तो जनता के आगे वो बताया जाए कि ये ऐसे गलत कर रहा है और ये बिल्कुल ही है तो मेरी वीडियोस में मुझे तो कुछ ऐसा कुछ गलत लगा नहीं क्योंकि हर वीडियोस में लास्ट में आके कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही तो वो जबरदस्ती की चीज़ मुझे लगी और बाकी मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव वगैरह कुछ फील ही नहीं हुआ ठीक है कर लिया बंदे ने अपना काम जो करना था हमने अपना काम कर लिया कामली चीजों को लेना चाहिए शांति में रहो ठीक है कोई नहीं वैसे तो कैरीमिनाटी पे इस वजह से काफी ज्यादा केसेस हुए हैं बट वो मुझे बत... एक चीज समझ नहीं आई वो कैरीमीनाटी ने जब लाइव चल रहा था तो जनता ने पूछा कि शिवम मल्लिक ने जो रिप्लाई दिया है आपका वीडियो में मैंने रिप्लाई वीडियो दिया था उसमें नौ मिलियन व्यूज है तो उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो उसका जवाब नहीं मिला मैं, मैं परमिशन लेता हूँ करीना के साथ एक मैंने वो दिखाया, अपनी रिप्लाई वीडियो में कि देखो इन्होंने ऐसे कहा पर मुझसे परमिशन ली नहीं गई तो ये जनता की वजह से जिस वजह से मैं हूँ जिस वजह से कैरी मिनाटी है जिसकी वजह से आप हो सब हो हम किसकी वजह से जनता की वजह से तो हम इनसे झूठ थोड़े बोलेंगे यार ये हमारे भगवान है माँ बाप है सब कुछ है हम इनका

और मैं भी शौक था जब मैंने वीडियो देखी मैंने कहा शिवम मलिक को उठाने का क्या रीजन था शिवम मलिक के वीडियोस में कुछ भी वियर्डनेस है ही नहीं वो तो एकदम साफ सुथरी वीडियो बना रहा है लोगों को बता रहा है एंड इट वाज शॉक इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि वो कोई यू you नो know, लड़कियों का लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आ, करके वो चीजें कोई तीन चार वीडियो मुश्किल से बनाई होंगी यार चार पाँच <laughs> तो वो उठा के उस पर एक रोस्टिंग वीडियो बना देना ठीक है चलो कोई बात नहीं पर उसके अलावा मैंने भी सुना था जब करीना के शो में उन्होंने बोला था कि भैया हम लोग परमिशन लेते कुछ भी कर लो दुनिया में पर हाँ। जिस जनता की वजह से घर में रोटी और दाल आ रही है ना ये चीज हाँ। उनसे झूठ तो बोलो तो दो जो हाँ। दो सवाल का जवाब आपको देना है पहला सवाल की भैया आपने शिवम मल्लिक को क्यों चुना और दूसरा सवाल आपने परमिशन क्यों नहीं ली रोस्ट करते टाइम